वहीं भलसवा डेयरी इलाके में बुलडोजर कार्रवाई अस्थायी रूप से रोकने पर लोगों ने राहत की सांस तो ली है, लेकिन लोगों की चिंता अभी भी बरकरार है। लोगों का कहना है कि वो कई दशकों से यहां रह रहे हैं, अगर निगम का को कोई दिक्कत है तो वो भलसवा डेयरी इलाके का लैंड यूज चेंज कर दें, जिससे उनके घर टूटने से बच सके। लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी को मकान बनाने में लगाया है, अगर उनके मकान टूट जाएंगे तो वह सड़कों पर आ जाएंगे। लोगों का आरोप है कि जब निर्माण चल रहा था तब एमसीडी ने क्यों नहीं रोका, एमसीडी हाउस टैक्स और दूसरे चार्ज क्यों लेती रही। लोगों ने कहा कि अगर एमसीडी की कार्रवाई नहीं रुकी तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन बुलडोजर नहीं चलने देंगे। भलसवा डेयरी में आज एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई होनी थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन पुलिस का कहना था कि पर्याप्त फोर्स नहीं होने की वजह से आज ये बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार भलसवा डेयरी में इतने मैसिव लेवल पर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों होनी है, कि क्या यहाँ पर अवैध निर्माण था या फिर जो लोगों ने कब्जा कर रखा था उसे हटाने का कोर्ट का आदेश था उस पर आज एमसीडी कार्रवाई की थी, क्या है पूरा मामला। बात करने के लिए हमारे साथ स्थानीय लोग हैं और कई डेयरी के जो संचालक हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ पर एमसीडी की कार्रवाई होनी थी, आप लोगों ने विरोध किया, क्या मसला है इसके पीछे की जो एमसीडी की आज ये कार्रवाई होनी है? इस पे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, हमारी संपत्ति पे नजर है। हम मास्टर प्लान के तहत 11 डेयरी फार्म बसाए थे आपातकाल में, सन 76 में हमें मूलभूत सुविधाएं जो मिलती थी एमसीडी ने धीरे धीरे वो सब छीन ली गई हैं और कूड़े के नाम पे हमें हटाया जा रहा है। आज कूड़ा गलत है, इंसान को हटा रहे हैं, इंसान गलत बना रहे हैं, कूड़ा गलत नहीं बता रहे लोग। ये सरकार की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी पास होनी चाहिए, सरकार ने उसमें मिक्स लैंड यूज भी सब बनाया है। ये आज मकान नहीं बने, कोई 30 साल पहले 40 साल पहले वो काम करें, मेरे 20 बच्चे पाले, परिवार बढ़ गए, किसान के बच्चे किसान हैं। आपातकाल आज डेयरी फार्म और 300 होने चाहिए दिल्ली के अंदर, जब 11 लाख आबादी थी तब 11 डेयरी फार्म इन्होंने बसाए। बियाबान जंगल था, खतरनाक जंगल था, आसपास इंसान नजर नहीं आते थे। ये एनजीओ जो है ये गौरी मुल्की, ये सुनैना सिब्बल, ये कुत्ते बिल्ली की एनजीओ है, न गाय भैंसों की। ये गाय भैंस पालने वाले हम जानते हैं, खत्ते पे गाय भैंस हमारे नहीं जाते हैं, हमारे तो हम पशुओं को बांध के चारा खिलाते हैं। कितने जो प्लॉट हैं जिसको लेकर एमसीडी की कार्रवाई चल रही है? ऐसे उस 11 डेयरी फार्म पे ड्रामा कर रखा है इस तरह से। हमारा प्लान ये है, यदि ये हमें उजाड़ेंगे तो हम इनसे डरेंगे नहीं, हम कोई चोरी नहीं कर रहे, मास्टर प्लान से बसाए थे और हमने उस जंगल में रह के झोपड़ी छप्पर में रह के जहाँ सवारी नहीं थी वहाँ अपना तरक्की की, अपने ठीक ठाक किया, आज पशु अपने पालन करके गुजारा किया। आज जब हम थोड़ा सा समाज के साथ हम तरक्की करने लगे, आज इनको चुभने लगा, आज इनको लगा कि ये तो सब माल बढ़िया बढ़िया है, बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई, अमूल फार्म ये वो, उन्होंने एनजीओ बनाई और वो हमारे पे थोप दी। और एनजीओ ने कोर्ट को क्या, कोर्ट में इन्होंने बड़े बड़े वकील कर रखे हैं जो हमारे डेयरी वाले अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई स्टे तो मिल गया, आज भी स्टे तो आज भी मिल गया है। 16 तारीख की लड़ाई में हम लोग वकील खड़े होंगे और वो देखेंगे क्या होगा। स्टे तो आज भी मिल गया 3 दिन का। हमारी एकता के सामने बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी बीच में हमारी दिल्ली गवर्नमेंट से अपील है, अगर हमारी लैंड यूज की पॉलिसी जो पेंडिंग पड़ी हुई है उसे अगर बना देंगे तो सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। जो सरकार की सोच है, एक हमारे पास सुविधा नहीं दे रही, सरकार सुविधा छीन रही है। एमसीडी काम है गोबर उठाए, मरे हुए पशु उठाए, जल बोर्ड काम है पानी दे, नहीं दे रहे, पशु कहाँ से पलेंगे। हम किसी बात से घबराने वाले लोग नहीं, कतई भी नहीं, ये घबरा के देख लें। अब आगे क्या एक्शन होगा? आगे एक्शन कोर्ट के जज के घर दूध काटेंगे, नेताओं घर पे दूध काटेंगे, नेता रोक के देख लेने, और एनजीओ घर में घुसेंगे, गोरला युद्ध करेगा, और उसके वकील घर पे भी होगा हमला। ऐसे नहीं होगा, ये हम खुला दावा चैलेंज कर रहे हैं। ये किसानों से टकराना बता देंगे कैसे टकराते हैं। तमाम लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो इनका प्रदर्शन और भी जारी रखेगा। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों को सरकार के द्वारा 1976 में बसाया गया और वहाँ पर अब लोगों को हटाने की कवायद शुरू की गई है एमसीडी के द्वारा, अब देखना होगा कि 16 अगस्त को हाईकोर्ट की तरफ से क्या आदेश होता है, उसके बाद तय हो पाया कि आगे जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो आगे चलेगी या नहीं। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में अवैध कब्जा हटाने के लिए आज एमसीडी ने अपना बुलडोजर लेकर पहुंची थी, बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए, एक्शन करने के लिए।
लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते एमसीडी को वापस जाना पड़ा। वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि चूंकि 15 अगस्त का टाइम है, जिले की जितनी भी फोर्सेज हैं 15 अगस्त की सिक्योरिटी में लगाई गई थी, इसलिए एमसीडी के दस्ता को आज फोर्स नहीं दिया गया, इसी वजह से आज ये कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन स्थानीय लोगों ने आज इस सड़क पर जाम लगा दिया, जो एमसीडी का बुलडोजर था उसे यहीं पर रोक दिया गया, उस बुलडोजर के जो टायर हैं उसका हवा निकाल दिया गया और उसके बाद एमसीडी के बुलडोजर को वापस यहां से जाना पड़ा। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि 1976 में सरकार ने डेयरी फार्म बसाने के लिए उन्हें यहां पर प्लॉट अलॉट किए गए थे, लेकिन उसके बाद जैसे यहां पर लोग रहने लगे और हवाला दिया गया कि यहां पर जो जानवर रहते हैं उनके गोबर से यहां पर गंदगी फैलती है, जो प्लॉट डेयरी के लिए गया थे वहां पर लोगों ने अपने मकान बना लिए और यहीं पर रहने लगे, इसलिए हाई कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर एमसीडी की कार्रवाई होनी थी जिसे लोगों ने रोक दिया। हालांकि अब लोगों के द्वारा एक हाई कोर्ट में अपील लगाई गई जिस पर 16 तारीख को सुनवाई होती है, अगर कोर्ट की तरफ से स्टे होता है तो निश्चित तौर पर एमसीडी की यह कार्रवाई रुक जाएगी, लेकिन अगर स्टे नहीं होता है तो 23 तारीख को यहां पर एक बार फिर से मैसिव रूप से एमसीडी का बुलडोजर कार्रवाई होगी। लेकिन लोगों ने भी अपना विरोध शुरू कर दिया, लोगों का कहना है कि जब सरकार ने उन्हें डेयरी के लिए यहाँ पर ज़मीन दी थी और वो यहीं पर रहकर डेयरी चलाते हैं, इसलिए उन्होंने इतने सालों के बाद अपना मकान बनाया और इसके लिए मकान का टैक्स भी वो भरते थे, कन्वर्जन चार्जेस भी दिए। उस समय एमसीडी कहाँ थी जब मकान बन रहे थे, जब लोग बस रहे थे। आज जब लोग लगातार यहाँ पर रह रहे हैं, कई सालों से कई पीढ़ियाँ उनकी रह रही है, तब उन्हें एमसीडी के द्वारा हटाने का आदेश दिया गया है। इसलिए जो स्थानीय लोग हैं इसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं मांगी गई तो उनका विरोध प्रदर्शन मैसिव लेवल पर होगा, उन तमाम जगहों पर जाएंगे जहां से ये ऑर्डर निकाले गए थे। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।